समाज बट गया और जो कुछ थोड़ा बहुत मिल रहा था, हर एक समाज को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा मिल रहा था, वो सब भी छीन लिया जाएगा। इससे ये हो, क्योंकि आज मैंने अपने जो संबोधन में भी ये बात कही है, अगर हमें इसका तोड़ ढूंढना है, जो ये हम पे चाल चली गई है, जो हमला हुआ है, उसका तोड़ सिर्फ एक है जो कि कानूनी तोड़ है, और वो ये है कि बैकलॉग जो है वो एक संवैधानिक कार्य है। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए। जितना बैकलॉग है वो SC ST के लोगों से ही भरा जाना चाहिए, OBC के लोगों से ही भरा जाना चाहिए, और जब तक वो ना भरा जाए वो सीटें खाली रहनी चाहिए। तो ये जो जिन लोगों ने ये बैकलॉग जनरल कैटेगरी के लोगों से भरा है, उन सभी जनरल कैटेगरी की सीटों को खाली करा के हमारे समाज को दे दो, आप बैकलॉग खत्म कर दो बस, फिर देखो किसी को कोई कोर्ट जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि नौकरियां ज्यादा होंगी, लोग कम होंगे, सभी समाजों में लोग ही नहीं मिलेंगे, सब समाजों का एक एक परिवार को एक एक दो दो नौकरियां भी मिल जाएंगी, तब भी नौकरियां खाली पड़ी होंगी हमारे लोगों के लिए, अगर बैकलॉग के ऊपर हम लड़ाई करें। तो पहला काम हमें बैकलॉग की लड़ाई करनी चाहिए। जो याचिका करता है वो कह रहे हैं ये सारी लड़ाई हम खड़ा ही लड़ रहे, ये भी लड़े थोड़ी बैकलॉग का, कौन सभी लड़े ना हम क्या। अब देखिए जो याचिक करता है उनको किसी भी कम्युनिटी को जितना पहले मिलता था ना, उतना भी नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं सबसे बड़ा समर्थक हूँ वाल्मीकि समाज का, मैं ओपनली इस बात को बोलता हूँ, मैं किसी भी समाज से ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूँ वाल्मीकि समाज की जरूरत है सबसे ज्यादा हमारे देश में, उनकी रक्षा, उनकी हिफाजत, उनको सफाई कर्मचारी को जिस तरीके से ट्रीटमेंट दी जा रही है, कैसे जरूरत है उस समाज में, उसको मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है देश में। आप देखिए उसकी जरूरत है दोनों चीजें, एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं देश का, वो डॉक्टरों से भी ज्यादा, कि हमारे देश में सफाई करके अपनी जान हथेली पे लेके, जैसे कोरोना काल में, उसके अलावा भी रोज अपनी जान हथेली पे लेके, नौकरियां पक्की नहीं है ठेकेदारी प्रथा पे, 1 लाख रुपए की नौकरी होनी चाहिए महीने की, और वो 8,000 रुपए पे काम कर रहे हैं अपनी जान हथेली पे लेके, उनकी नौकरियां जो पक्की करने की कोशिश नहीं कर सकती सरकार और अदालतें, उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो वाल्मीकि समाज को नौकरियां देंगे कि वो IAS ऑफिसर बने, और वाल्मीकि समाज को उम्मीद नहीं, धोखा ठगी कैसे करता है, आपकी जेब से पैसे कैसे चुराएगा, जब आपको धोखा देगा ना कि मैं ये पैसे आपके डबल करके दे दूंगा आपको, ठगी का कर तरीका यही होता ना। तो वाल्मीकि समाज को सबसे बड़ा धोखा दिया जा रहा है। तो मेरा कहना ये है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, है बैकलॉग के लिए संघर्ष करें सब, वाल्मीकि समाज के हर घर में नहीं, एक नौकरियां नहीं, अरे सफाई कर्मचारी वाली नौकरियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो Class 3, Class 2, Class 1, उस तरह की नौकरियां, एक परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिसमें एक एक दो दो नौकरियां हर एक वाल्मीकि समाज के को ना मिल जाए, ये मेरी गारंटी। अगर बैकलॉग की लड़ाई लड़ेंगे सब मिलके, क्योंकि आज भी क्या है 15% शेड्यूल कास्ट हमारे देश में, 2011 की जो जनगणना हुई थी उससे 17% है, 15% यानी कि 2% कम रिजर्वेशन मिला है, लेकिन किसी भी जगह पे किसी भी समय किसी भी एक साल में किसी भी एक समय पे मुझे ये सरकार मनुवादी एक जगह ये बता दे के 15% आरक्षण मिला है पूरा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। अगर 7% भी 7% 15% में से रिजर्वेशन मिला है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा मनुवादियों से। जब वो 8% सीटें खाली है तो वो वाल्मीकि समाज को क्यों नहीं मिल रही, तो वो दूसरे समाजों को क्यों नहीं मिल रही जो सीटें खाली है, जो जो हमारे बीच में ये कहा जा रहा है कि एक समाज ऐसा है या 2-3 समाज ऐसे हैं जो ताकतवर हो गए, वो ताकतवर होके वो 8% सीटें खाली रह रही हैं, वो क्यों नहीं उसमें अपना हिस्सा ले पा रहे हैं, ये समझने की बात ये है। ये भी कहा जा रहा है आप जैसे जो कानून के जानकार हैं वकील एडवोकेट से, कि इसके पीछे पूरे फैसले की सरकार है। बिल्कुल, सरकार के वकीलों ने जिस तरीके से बहस की है ना, वो हारने के लिए की है हर बहस। अगर जज कोई सही भी बात कर रहे थे उनको घसीट के लेके आए कि नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे, इस प्रकार से जानबूझ के सरकार ने ये बहस करके केस हारा है। सर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाती? नहीं, जनगणना कराती इसलिए नहीं कि जो चोरी वो अभी पर्दे के पीछे ढांक के रखती है। इसी सुप्रीम कोर्ट ने अभी पटना हाई कोर्ट के जजमेंट को स्टे को मेंटेन रखा है ना, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, क्यों? क्योंकि सरकारें जाके कह रही है इस देश में एकदम अफरा तफरी मच जाएगी। एक बात मैं और बता दूं, हमारे लोगों को जो रिजर्वेशन से सीटें ले रहे हैं उनके बारे में क्या बोला जाता है कि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ी लकेती कुछ नहीं हो सकती। हमारे लोग ही सक्षम हैं, हमारे लोग ही केपेबल हैं, हमारे लोग ही कॉम्पिटेंट हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है। ये बताया जाता है आपको, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, आरक्षण वाले ही कॉम्पिटेंट है। क्यों? क्योंकि अभी एक बहुत बड़े हमारे जो एक एक्टिविस्ट है उन्होंने एक सर्वे किया है जिसमें ये पाया है कि जो
रिटर्न टेस्ट होते हैं सारे, उसमें ओबीसी समाज के सिर्फ 1% कट ऑफ में कम, 1% कम होता है ओबीसी समाज का, और शेड्यूल कास्ट समाज का सिर्फ कट ऑफ में 2% कम होता है। अब आप मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति अगर हम 100 मीटर की रेस माने, जो जनरल कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो अपनी दौड़ शुरू करते हैं मेरे ख्याल से 70 या 80 मीटर से, हमारे लोग शुरू करते हैं जीरो से, और वो एक ही टाइम पे जब एंट्रेंस टेस्ट होते हैं यानी कि एक ही समय पे 100 मीटर पे पहुंचते हैं बराबर बराबर, मतलब हमारे लोग 98 मीटर पहुंचते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, और ओबीसी के हमारे लोग 99 मीटर तक पहुंचते हैं। कितनी देर में? उतनी देर में जितनी जनरल कैटेगरी के लोग 20 या 25 मीटर दौड़ के पहुंचते हैं। तो कॉम्पिटेंट कौन हुआ बताओ आप मुझे? कॉम्पिटेंट हम हैं, हम ढो रहे हैं जनरल कैटेगरी के जो इनकॉम्पिटेंट लोगों को अपने कंधे पे, किसी भी डिपार्टमेंट में आप चले जाइए। क्रीमी लेयर की भी बात की जा रही है, क्रीमी लेयर, देखिए क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ही हमें बांटने के लिए था। क्रीमी लेयर की भी आवश्यकता कब पड़ेगी? जब किसी टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे सीटें तो भरे, जब 15 में से 7% सीटें ही नहीं भर रही, जो 7.5% है शेड्यूल ट्राइब का सीटें ही नहीं भर रही, 27.5% जो 27% है वो सीटें ही नहीं भर रही, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट की आवश्यकता कहां पड़ रही है? और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट होना चाहिए इंडिविजुअल से, आप हो, आपको मिल गई रिजर्वेशन, आप सेक्रेटरी लेवल तक पहुंच गए, तो आपको स्वयं को, आप क्रीमी लेयर में आ गए, आप स्वयं अकेले, आपको नहीं मिलनी चाहिए किसी और जगह तो साथ में है ना सर? नहीं, लेकिन आपके परिवार को मिलनी चाहिए ना, आपके समाज को मिलनी चाहिए, परिवार के एक भी व्यक्ति को नहीं मिले ऐसा क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि इनको अगर आदमी को अमीर बनाने की योजना थोड़ा है सर, ये अमीर की बात नहीं है, वो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर अगर मैं इनके झूठे, तो वो चमार जाटा भंगी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इनके झूठे आर्गुमेंट को हराने के लिए मैं एक झूठा आर्गुमेंट दे रहा हूँ। दो आप क्रीमी लेयर, भाई क्रीमी लेयर अभी तो मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति साहिबा को भी क्रीमी लेयर में नहीं आ पाई है, वो आ पाई है राष्ट्रपति साहिबा, अभी तो मंदिर में घुसने से रोक दिया उन्हें, इससे पहले कोविंद साहब थे वो क्रीमी लेयर में तो आ नहीं पाए, उनको रोक दिया, तो क्रीमी लेयर में आ तो जाए कोई, मैं तो फिर भी एक झूठा आर्ग्यूमेंट दे रहा हूँ कि चलो सेक्रेटरी लेवल तक जो आदमी एक पहुंच गया वो शायद क्रीमी लेयर में आ जाए, किसी एक छोटे मोटे मंदिर में तो उसको 5 मिनट के लिए जाने ही दिया जाए, इतना सा भर क्रीमी लेयर में आ गया, उसलिए मैं एक झूठे आर्गुमेंट को झूठे आर्गुमेंट से काट देगा। 2004 का फैसला पलटा गया था, ये क्या अब 2000 जो या 24 का फैसला इसे भी पलटने के कोई रिव्यू पिटीशन या कोई तरीका है आप लोगों के पास? नहीं, हमारे पास कोई तरीका नहीं है, और मैं समाज से कह रहा हूँ हमारी बहस में कोई कमी नहीं होती है, हमारे आर्गुमेंट किसी के पास जवाब नहीं होता है किसी का, आंदोलन आंदोलन आंदोलन, और इस बार आंदोलन होना चाहिए बैकलॉग के लिए, जब तक बैकलॉग बेंच के पास नहीं जा सकता, जा सकता है, सबसे बड़ी बेंच कौन सी है? जनता की बेंच सबसे बड़ी बेंच है, तो हम कह रहे हैं सबसे बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए ना, बार बार की लड़ाई को छोड़ते हैं, एक बार भी सबको शेड्यूल 9 में डालना है, रिजर्वेशन 100% होनी है, पहली डिमांड 100%, और बैकलॉग सहित बैकलॉग मिलना चाहिए, तब तक जनरल कैटेगरी की सीटें काटी जानी चाहिए, उनको नहीं मिलनी चाहिए जब तक बैकलॉग की सीटें पूरी ना हो जाए एस सी एस टी ओबीसी की, उसके बाद 100% रिजर्वेशन है, ये है, और ये जनता की अदालत से तय होगा, किसी दूसरी अदालत से तय नहीं होगा।